वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो आज अपना जिम में फर्स्ट डे तो नहीं है, बट अपना टाइम काफ़ी टाइम हो गया जिम में। बट मैंने सोचा आज हम लोग है ना जिम का वर्कआउट का ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक देखने चाहती है कि जिम में क्या होता है। है बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं पता जिम के बारे में, तो अब चलो सीधा मिलते हैं जिम में। और हाँ, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था, उसके लिए सो सॉरी। मैं गया था वाशी का वीडियो बनाने, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। अब सीधा मिलते हैं, चलो जिम में। सो जिम में एंट्री मारते साथ सबसे पहले मैं गया शीशे के पास, अपनी बॉडी चेक किया। मैंने बोला यार आखिरी बार अपनी बॉडी को चेक कर लो, कैसे शेप में है आगे से साइड से। फिर बॉडी चेक करने के बाद सीधा चला गया मैं वेट चेक करने। मैंने बोला पहले से काफ़ी सवर गया मेरे भाई, क्योंकि 74 kg से सीधा मैं इस पर आया। और उसके बाद मैं सीधा चला गया बॉडी स्ट्रेच करने। मेरे बाजू वाला मोबाइल देखा वीडियो बनाते हो, शर्मा के साइड में पता नहीं क्यों हो गया, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच करना जिम में बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद। और वर्कआउट के बाद मैं सीधा गया ट्रेडमिल के पास, बट ट्रेडमिल पूरी फुल चल रही थी। उसके वजह से मैंने सोचा चलो ट्रेडमिल में बाद में भागेंगे, पहले वर्कआउट पे सीधा चलते हैं। और फिर पहले वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया, तो पहला वर्कआउट था अपना चेस्ट का। मैं जैसे मिक्स मार रहा था, तो ये अब मेरा तीसरा सेट चालू है। और वैसे मशीन यार हमेशा फुल चलती है वाली, और डंबल के पास था वो भी फुल था, उधर वीडियो ठीक से नहीं बन पाती, तो मैंने सीधा ये वाली मशीन पकड़ी। ये तीसरा सेट चल रहा था मेरा, और जैसा तुम लोग देख रहे हो। उसके बाद मैंने सीधा शोल्डर का किया। शोल्डर का बनाते बनाते जो मेरा कैमरा मैन था, जो मतलब मेरी वीडियो बना रहा था, वो नीचे प्लेट पर फंस गया। बट ठीक है, कोई इतना नहीं है। शोल्डर का भी मेरा तीसरा सेट चालू था, मैं एक्चुअली 3 सेट मारता हूँ। और शोल्डर के बाद मैंने पकड़ा सीधा बैक का। और ये मैं खुद को शीशे में देखते हुए, और ये मैंने वेट बढ़ा दिया थोड़ा सी, और मैं शीशे में कितना स्मार्ट लग रहा हूँ ना। आ आ आ आ अब वर्कआउट मैंने सीधा स्टार्ट किया। सो मैं अब अपना बैक का वर्कआउट चालू कर लिया। मैंने ऑलरेडी 2 सेट मार लिए, मैं वैसे भी 3 सेट मारता हूँ, और मेरा ये तीसरा सेट था। और फिर इसमें मेरे भाई बहुत टाइम बाद में कोई मशीन हाथ में मिली है, क्योंकि यार जिम में कभी कभी बहुत क्राउड हो जाता है, और मैं थोड़ा आज लेट गया था क्योंकि मैं अलग थोड़ा वाशी चला गया था उसकी वजह से। और ये अपना बैक का वर्कआउट करते करते, और बैक के बाद मैं सीधा पकड़ा वापस। सो मैं गया वापस चेस्ट की मशीन पर, क्योंकि चेस्ट की मशीन में वो खाली मिल गई थी, और वैसे भी मैं मिक्स मार रहा था तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और जो चेस्ट की मशीन में मार रहा था, जो तुमको लग रहा है ना वेट, सिर्फ दो मैंने प्लेट लगाई है, तुम करोगे तब पता चलेगा वैसे यार। और चेस्ट की मशीन मार रहा, देखो कैसे बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई इस पर, खाली दिखने में हल्का लग रहा है वो। उसके बाद मैंने सीधा पकड़ा बाइसेप की मशीन, और ये मेरे सामने वाला बंदा मेरी मजा लेते हुए बोला था टी शर्ट भी उतार दे भाई, मैंने बोला वाह यार। और फिर बाइसेप के बाद मैंने सीधा चला गया। सो बाइसेप के बाद मैं सीधा चला गया पुलअप पे, और मतना मतलब सब शोल्डर चेस्ट मार लिया, तो उसके वजह से मेरा पुलअप नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। और देन फाइनली मेरे को कार्डियो मिला, बट वो पता नहीं कोई रीजन के साथ बंद हो गया था, तो मैं सीधा पहुंचा ट्रेनर के पास। देन मैंने ट्रेनर को कंप्लेंट की, ट्रेनर ने अपना स्टाफ भेजा, वो आया मशीन चेकआउट किया, बोला उसमें कुछ वायर की प्रॉब्लम थी, उसने वायर ठीक किया और मशीन चालू हो गई। और फिर स्टाफ बोलता है जितना दौड़ना दौड़, मैंने बोला बहुत दौड़ूंगा। और उसके बाद मैं अपने आप को सीधा एक और बार शीशे में देखा, मैंने बोला वाह क्या दिख रहा हूँ। और फिर चलो अब अपना वर्कआउट अपना मतलब चालू कर दो, तो कार्डियो पे भागना, और मशीन चालू हो गई थी। सो 5 मिनट में कुछ इतने सेकंड में मैंने 77 कैलोरीज बर्न कर दी है। और ये मैं खुद को देखता हुआ, और क्योंकि सामने शीशा था नहीं, मिरर था नहीं, तो उसकी वजह से भागने में मज़ा नहीं आएगा। यूजली मेरे को तो कार्डियो में ज़्यादा भागने में मज़ा आता, और साइड में मिरर नहीं था, और ये मैं भागते हुए देखो। सो मैंने बोला चलो थोड़ा साइड से वीडियो बना लूँ, और ये मैं भागते हुए। उसके बाद अपना टाइम हो गया 15 मिनट से ज़्यादा, और 189 कैलोरीज मैंने बर्न कर ली, और डिस्टेंस मैंने इतना 2 किलो कुछ कवर कर लिया है। और अब इसको सीधा मैंने किया बंद, और मैं सीधा मशीन से उतर जाता हूँ। यार बहुत भाग लिया यार सही में। और मशीन से उतरते साथ मैंने शीशे पे नोटिस किया, मैंने बोला यार एक और बार शीशे में देख लो। पता नहीं जिम में एक हरकत कौन सी थी, शीशे को बार बार देखो मन ही नहीं करता।
सो अब अपना वर्कआउट हो गया पूरा कंप्लीट, और मैंने बोला चलो अब अपने पार्टनर को देख लो उसके क्या हाल है। और उसकी तो ट्रेनर को बहुत कायदे से ले रहा है मेरे भाई, क्या बोलने का उसको। और चलो वीडियो इधर ही पे ख़त्म करते हैं। चलो सो फाइनली अपना वर्कआउट पूरा हो गया और मैं जिम का रोज़ तो वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि मेरे को अपना वर्कआउट भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तुम लोग भी बोलोगे क्या रोज़ रोज़ एक ही वीडियो अपलोड कर रहा है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट में बताओ कि आगे जाके तुमको कौन सी वीडियो देखना है। कमेंट में बताना बताना बताना। अब चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।